बैठेगा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कोट पैंट की बेस्ट ड्राई क्लीनिंग कैटेगरी में कोट पैंट को आप किस तरीके से ड्राई क्लीन करेंगे ये मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं ड्राई कैटेगरी में ड्राई ड्राई क्लीनिंग को किस प्रकार से आप करेंगे ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। आप प्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये औरों के भी काम आए। थैंक यू। कोट पैंट की ड्राई क्लीन करने के लिए हम लेंगे कोट पैंट साफ करने वाला ब्रश, 50 mm का एक ब्रश और वाइट पेट्रोल। वाइट पेट्रोल ये आपको पेट्रोल पंप से या ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको रिनाउंड पेंट की शॉप से ही मिलेगा। इसे हम वाइट सॉल्वेंट भी कहते हैं और ये बहुत जल्दी उड़ता है। सबसे पहले हमने कोट की डस्ट को रिमूव करना है। इसी तरह से आप पीछे से भी डस्ट को रिमूव कर लेंगे। देन हमने कॉलर को खोलना है। कॉलर को खोल के व्हाइट पेट्रोल में ब्रश को डिप करना है और व्हाइट पेट्रोल को इस पे लगाना है। फर्स्ट हम कॉलर से स्टार्ट करेंगे, देन हम कप पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमने कप पे करना है। ब्रश को हमने साफ नहीं करना है, फुली डिप करके फुल ऑफ पेट्रोल लेना है इस पे। क्योंकि कोट पैंट के जो ये पोर्शन है ये सबसे ज्यादा खराब रहते हैं। देन हम पॉकेट पे आएंगे। काम करते हुए हमने हाथ को तेजी से चलाना है क्योंकि व्हाइट पेट्रोल है बहुत तेजी से उड़ जाता है। फ्रेंड्स, कोट पैंट की एक ड्राई क्लीनिंग मैंने पहले भी शेयर की है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट कुछ कोट पैंट होते हैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन कोट पैंट को आप इसी तरीके से पॉलिशिंग करेंगे। एक बार जब आप हम पॉलिशिंग कर लेंगे देन हम इस ब्रश को अगेन इस पे चलाएंगे। आप पैंट या ट्राउजर को इसी प्रकार से घर पर ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ड्राई ब्रश से पहले हमने इसे क्लीन करना है। ट्राउजर में भी पहले हमने पॉकेट्स को क्लीन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार की पॉलिशिंग में कितना शाइन कर रहा है। जब हम दो और तीन बार पॉलिशिंग करेंगे तब इसकी चमक और बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को करने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छाया में सुखा देंगे। हमने हैंगर में हैंग करके इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए सुखाना है। उसके बाद से इस प्रोसेस को हमने दोबारा रिपीट करना है।
डेढ़ से दो घंटे बाद जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तब आप चेक करेंगे कि कॉलर कफ्स और पॉकेट्स बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, तो आप उसके बाद इसे आयरन कर लेंगे। अगर ये नहीं हुआ है तो आप इसको थर्ड टाइम और रिपीट करेंगे, यानी कि हम दो से तीन बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। रोलिक स्टिच को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये औरों के भी काम आए। थैंक यू।